नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। नसरुल्लागंज क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। वहीं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की इस कार्यवाही से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। लाडकुई में शनिवार देर रात हुई हवाई फायर के बाद अब प्रशासन एक्शन के मूड में आ गया है और राजस्व और पुलिस द्वारा अवैध रेत परिवहन और ओवरलोड डंपरों पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दिनेश सिंह तोमर ने बताया कि डंपरों में रॉयल्टी और क्षमता से अधिक मात्रा में रेत पाई जा रही है। 12 घन मीटर की रॉयल्टी होने पर डंपरों में 25 से 30 घन मीटर के करीब रेत भरी पाई जा रही है, तो वहीं बिना रॉयल्टी के वाहन पर भी कार्यवाही की जा रही है। वहीं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा एक दर्जन के करीब ओवरलोड डंपरों पर कार्यवाही कर लाडकुई उपज मंडी में खड़े किए गए हैं। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हाँ, मेरे भ्रमण के दौरान लाडकुई में कुछ ओवरलोड है जो क्षमता से डबल रेत भर के जा रहे थे। इनके पास रॉयल्टी तो है लेकिन इनकी क्षमता है उससे डबल डबल से ज़्यादा जो रेत का परिवहन किया जा रहा था। हमने आज 5 गाड़ियाँ और ये कार्रवाई चलती रहेगी। सर, इसमें 5 गाड़ी कुछ गाड़ी सुनने में आया कि रात को भी गाड़ी कुछ पकड़ी है? रात को शायद पुलिस कार्रवाई में 3 गाड़ियाँ पकड़ी है, उन्होंने अलग कार्रवाई करी है। अच्छा, तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।